और दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और भाइयों, आज आपके लिए लेके आए हैं 100 बीघे जमीन। आज की इस वीडियो में आपको 100 बीघे जमीन दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे किसकी जमीन है, कहां पर है। ठीक है, हमारे साथ ज्योत सिंह भाई हैं, ये इस जमीन के बारे में पूरी बताएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, ठीक है भाई। और हमारा माइक रह गया आज घर, तो इसी से काम चला रहे हैं। ज्योत सिंह भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव राजपुर है जी। राजपुर। इस जमीन के बारे में डिटेल से बताओ, कितना फ्रंट है, कैसे क्या है? इसका फ्रंट है जी 300 फुट। 300 फुट तो इसका फ्रंट है। फ्रंट है जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ। और ये 100 बीघे जमीन हो जाएगी। 100 बीघे जमीन है। हाँ जी। कितनों के नाम है? ये कई किसान है जी। अच्छा, ये इकट्ठी हो जाएगी। मतलब कौन सी बिरादरी है जिनकी जमीन? गुज्जर बिरादरी है सर। गुज्जर बिरादरी है। हाँ जी। जमीन जैसा कि आप सब देख सकते हैं भाई, बिल्कुल पक्की जमीन है। नीचे को दिखा दो, ये देख लो, बिल्कुल पक्की जमीन है। और इधर को देखो, ये जो सामने आप देख सकते हैं ना, ये हाईवे जा रहा है जी। ये हाँ, ये जो जहाँ गाड़ी आप दिख रही है ना, मेरी उंगली आपको दिख रही है, मैं दिखा दूं, ये जो आप मेरी उंगली देख सकते हैं, ये सीधा हाईवे है, पुरकारी से आया हुआ है, सीधे जा रहा है। और सबसे बड़ी खास बात, ये जो जमीन है, यहाँ पर क्या है ना, चारों तरफ यहाँ पर क्या क्या आ रहा है ये बताओ थोड़ा सा। एक तो शिडगुल आ रहा है जी। अच्छा। और एक एम्स हॉस्पिटल आ रहा है जी। शिडगुल जो कंपनी जैसी हरिद्वार में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब शिडगुल तो यहाँ, ये एम्स तो आपके गांव के पास ही आ रहा है। हाँ, पास आ रहा है, हमारे गांव के पास में आ रहा है। अच्छा, इस वजह से आगे रेट बढ़ गए। हाँ जी। अच्छा, उत्तराखंड में जमीन है, गाँव कौन सा है? ये गोवर्धनपुर गाँव है। गोवर्धनपुर ये गाँव है। ठीक है, जमीन आप देख लो, ये सामने जो आप देख सकते हैं, ये पूरी जमीन है, ये सामने ये चक्रोड़ गई हुई है। इसमें ट्वेल कितनी है? इसमें जी लगभग 3 ट्वेल है। इसमें 3 ट्वेल है। हाँ जी। ऐसा कोई लफड़ा तो नहीं है? कोई लफड़ा लफड़ा नहीं है इसमें, क्योंकि लफड़े की जमीन नहीं चाहिए। लफड़े की जमीन नहीं है जी। नंबर एक का काम है जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या डिमांड है इनकी? 15 लाख डिमांड है जी। 15 लाख रुपए बीघा। अच्छा जो सिंह भाई, कुछ हमारे जो भाई है वो ये बोलते हैं बीघे में अलग अलग होता है, कहीं कच्चा बीघा होता है, कहीं पक्का होता है। यहाँ के बीघे में कितने गज होते हैं? 8 गज। 800 गज। 800 गज। हाँ जी, 800 गज ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। उत्तराखंड में 800 गज होते हैं। हाँ जी, 800 गज। अच्छा, स्क्वायर फुट वगैरह आप खुद देख लेना। हाँ, ठीक है, जमीन बिल्कुल पक्की है। हाँ, चकबंदी होगी क्या? हाँ, चकबंदी फाइनल होगी जी। हाँ, चकबंदी फाइनल हो गई है। एक बीघे में, एक कच्चा बीघा होता है, एक बीघे में 800 गज होते हैं। 15 लाख रुपए डिमांड। अच्छा, अगर कोई लेना चाहे, 100 बीघा जमीन है, 15 लाख डिमांड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? हाँ, बैठ के बात हो जाएगी उनसे। बैठ के बात हो जाएगी मालिक से। अच्छा, हाँ जी। ये रकबा कौन से उसका लगता है? राजपुर का। अच्छा, रकबा राजपुर का है। गांव ये गोवर्धनपुर। गोवर्धनपुर है जी। गांव गोवर्धनपुर है, रकबा वो उसका है, ये राजपुर का। ठीक है, गुजरों का इलाका है, ज्यादातर गुजरों के गांव है। हाँ, सब हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन आप देख लो, ये जमीन इतनी महंगी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सामने क्या है ना, हाईवे निकल गया, शिडगुल आ रहा है, अपनी जानकारी ले लेना। ठीक है, यहाँ की लोकेशन भी मैं आपको दे दूंगा, आप सैटेलाइट वगैरह से देख लेना। ठीक है, अगर आप इस जमीन को लेना चाहते हैं, वो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप करें। ज्योत सिंह भाई का भी मैं नंबर दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 बीघा जमीन है, 15 लाख डिमांड है। बाकी जिनको लेना है जेन्युइन, आपका भी टाइम कीमती है, हमारा भी कीमती है, क्यों भाई साहब? ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, जिसको लेना है वही बात करे, ऐसे नहीं कि मतलब। धन्यवाद।